नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और दोस्तों फिर आज जा रहे हैं साइट पर, और जा रहे हैं आज साइट पर तो देखते हैं क्या काम आ रहा है। चलिए काम आ रहा है तो फिर दिखाएंगे। अभी तैयार हो गया हूँ, खाना उना सब ले लिया हूँ। ये देखिए खाना भी ले लिया हूँ और इधर पपीता भी ले लिया हूँ। यहाँ हमारे पपीता का पेड़ है, उसमें बहुत ज़्यादा फरा हुआ है, कोई खा नहीं रहा, इसलिए ले लिया हूँ। साहब लोग आएंगे तो खाएंगे, नहीं तो है आज और आदमी सब वही सब काट काट के अपना खाएंगे। चलिए दोस्तों एक ही बार साइट पर चल के फिर मिलते हैं आप लोग से, कुछ काम होगा तो। फाइनली दोस्तों साइट पर आ गया हूँ और ये देखिए इधर सरिया कटिंग कर रहे हैं इधर, और हमारा अभी हैडा का काम नहीं है तो ट्रैक्टर में स्टेप लोड हो रहा है, बस इतना ही काम हो रहा है। इधर सरिया मोड़ रहा है, कटिंग हो रहा है। और दोस्तों ये देखिए थ्रेसर आ गया है धान निकालने वाला, जो कि रात हो में आया है, उसी को रात में ही निकालेंगे, क्योंकि दिन में हम चले जाते हैं ड्यूटी, ड्यूटी से आते हैं तो शाम को आते हैं तो फिर फ्रेश व्रेश होते हैं, उसके बाद फिर आया है थ्रेसर तो ये दौनी होगा, यही है थोड़ा सा है तो वही 20-25 मिनट लगेगा इतना ही में। चलिए इसको धान निकलवाते हैं। और दोस्तों वीडियो आगे नहीं बन पाएगा क्योंकि अंधेरा है और अकेले भी हूँ मैं, इसीलिए अब साथ में मामा है तो मामा अलग ही करते हैं काम। तो ये देखिए इतना धान हुआ है, कितना बोरी, 2 बोरी बड़ा में है और 2, 4, 5 बोरी छोटा छोटा में, इतना छोटा छोटा वाला में है। और इधर में है बाल्टी डोल में रखा हुआ है, झोला में रखा है। ये देखिए इतना सारा धान हुआ है उतना ही खेत में।